गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू ऑल इन कंप्यूटर क्लास. स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एमएस लोगो. मीन्स नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9. चैप्टर 8 में हम लोगों ने लोगो के बारे में डिस्कस किया था, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एमएस लोगो मीन्स माइक्रोसॉफ्ट लोगो में किस तरीके से हम राइटिंग का प्रोसीजर करते हैं. बेसिकली लोगो का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड. ओके, उस लैंग्वेज का यूज़ करके जो ग्राफिक्स के थ्रू, यानी कि जो इमेजेस के थ्रू हमें दिखे, तो वो होता है लोगो. ओके, तो होपफुली यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी आपको. टॉपिक में हम लोग बेसिकली देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर्स. प्रोसीजर क्या है? इनपुट बॉक्स, एडिटिंग, सेविंग, लोडिंग एंड इरेजिंग, रिपीट कमांड. रिपीट कमांड का क्या यूज़ है? ड्राइंग सर्कल विद रिपीट, किस तरीके से रिपीट कमांड का यूज़ करके सर्कल ड्रॉ करते हैं. एंड फिलिंग कलर्स इन द सर्कल, सर्कल में किस तरीके से कलर फिल किया जाता है, जो कि लोगो कमांड के थ्रू हम बनाते हैं. अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर. प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी सेव्ड विद अ नेम एंड देन रिकॉल यूजिंग द नेम अगेन एंड अगेन विदाउट हैविंग द रिपीट द इंस्ट्रक्शन. बेसिकली प्रोसीजर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. उनके थ्रू क्या करते हैं, जो भी हमारा नेम, जिस नेम से हम सेव करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, वो बार बार उसको अगेन रिकॉल करता है. ओके, तो वो क्या है? प्रोसीजर है. इनबॉक्स, इनपुट बॉक्स एंड एडिटिंग. एडिटिंग का मीन सेम वही है जिस तरीके से हम एडिट करते हैं, लिखते हैं, लिखने के बाद कुछ चेंजेस करते हैं. इनपुट बॉक्स इज द एरिया वेयर यू टाइप द लोगो कमांड. यू कैन ऑल्सो एडिट द कमांड इन इट. प्रोसीजर्स आर रिटन इन अ सेपरेट एडिटर और इनपुट बॉक्स. क्लिक ऑन इडल कमांड बटन इन द कमांडर विंडो टू ओपन द एडिटर एज शोन इन फिगर नंबर 9.1. 9.1 में देखो इस तरीके से हमें क्या करना है, ओपन करना है. तो वो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे जो भी हमने राइटिंग प्रोसीजर को यूज़ किया है. देयर आर टू वर्ड्स ऑलरेडी रिटन देयर, टू एंड एंड, मीन्स टू और एंड, यानी कि जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और जहाँ से ख़त्म कर रहे हैं. दीज वर्ड्स मार्क द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द प्रोसीजर. द प्रोसीजर नेम गोज आफ्टर टू. फॉलो द स्टेप नंबर 1. राइट प्रोसीजर नेम एस क्यू आर आफ्टर टू. टू के बाद क्या करना है आपको, एस क्यू आर राइट करना है प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए. देन क्या करना है, एंटर करना है न्यू लाइन के लिए. फिर आपको राइट करना है, राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर द ड्राइंग अ स्क्वायर इन अ न्यू लाइन एज शोन. इस तरीके से आपको अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आपको एक कमांड चूज़ करनी है, फॉरवर्ड या फिर RT, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल चूज़ करेंगे, तभी आपका क्या होगा, एक स्क्वायर के फॉर्म में या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में जो भी आप चूजन कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट है क्लिक ऑन फाइल, सेव एंड एग्जिट. फाइल को सेव करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे उस प्रोसीजर को. नाउ दैट यू हैव सेव्ड योर फर्स्ट प्रोसीजर को सेव करेंगे, देन राइट द कमांडर SQR in the input box and see what happened. देखेंगे कि क्या हुआ. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब सेव करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट में इस तरीके से आपको शो करेगा. नाउ व्हाट इज़ द सेविंग प्रोसेस, किस तरीके से मैं अपनी ड्राइंग को या फिर अपना जो भी वर्क हमने लोगो कमांड के थ्रू किया है उसको किस तरीके से सेव करेंगे. फॉलो दिस स्टेप टू सेव द प्रोसीजर. फर्स्ट स्टेप है फाइल से जाके सेव करना है. देन MS लोगो स्क्रीन के थ्रू आपको क्या कर रहे हैं, ओपन करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर देंगे. देन ब्राउज द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, गिव इट अ नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन. क्या करेंगे, जहाँ पे आपको ब्राउज करने के बाद आपको सेव करना है, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर देंगे. देन आपकी फाइल उस लोकेशन पे सेव हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट है इरेजिंग प्रोसीजर. इरेजिंग मीन्स किस तरीके से इरेज करना है उस प्रोसीजर को. टू इरेज योर प्रोसीजर फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट इज क्लिक ऑन इरेज ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू. फाइल मेनू से जाके इरेज ऑप्शन पे क्लिक करना है. देन इरेज प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, आपको स्क्रीन शो हो जाएगी डायलॉग बॉक्स की बेसिकली. देन आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड है सेलेक्ट द प्रोसीजर और सेलेक्ट ऑल द इरेज ऑल द प्रोसीजर्स. फिर क्या करेंगे, जो भी प्रोसीजर आपको इरेज करने हैं उसको सेलेक्ट करेंगे.
देन आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी आपके डायलॉग बॉक्स में ओपन थे वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। लोडिंग प्रोसीजर्स टू लोड द प्रोसीजर नेक्स्ट टाइम यू ओपन लोगो फॉलो द दीज स्टेप्स, मीन्स लोगो को किस तरीके से दोबारा लोड करना है। क्लिक ऑन लोड ऑप्शन इन द फाइल मेनू, फाइल मेनू को यूज़ करना है। देन क्या करना है, ब्राउज फॉर योर फाइल्स इन अ ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स में जाके मीन्स आपको फाइल को ओपन करके उसको ब्राउज करना है। देन सेलेक्ट करना है आपकी फाइल को, जो भी आपकी फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, फिर ओपन बटन पर क्लिक करना है। देन आपकी फाइल क्या होगा, आपको शो हो जाएगी। यू कैन क्रिएट मोर देन वन प्रोसीजर, अगर एक से ज़्यादा प्रोसीजर को आपको ओपन करना है फिर यूज़ करना है, सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, जिस तरीके से आपने फाइल को सेव किया है उसी तरीके से आप अनदर फाइल को भी सेव कर देंगे लोगो फाइल में। रिपीट कमांड का बेसिकली सिंपल मीन है, रिपीट एक चीज़ को बार बार अगर रिपीट करेंगे तो आपका क्या फॉर्मेशन बनेगा जाके, या किस तरीके का लोगो का फॉर्मेशन बनेगा जाके। सो रिपीट कमांड, इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न द कमांड टू मूव टर्न शो एंड हाइड द टर्टल। बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि किस तरीके से टर्टल को मूव कराना है एंड किस तरीके से उसको शो कराना है, हाइड करना है। डू यू रिमेंबर द स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ स्क्वायर? स्क्वायर के लिए क्या है, सिंपल आपको FD फॉरवर्ड फॉरवर्ड कमांड का यूज़ करके RT यूज़ करना है 90 डिग्री, फिर अगेन 3 टाइम्स यूज़ करेंगे, फिर FD को कितना करना है 90 डिग्री नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, RT यूज़ ना करके FD कमांड को यूज़ करेंगे फॉरवर्ड 150 पे, और आपका क्या होगा, एक स्क्वायर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, नोटिस दैट वी आर रिपीटिंग द कमांड FD 150 एंड RT 90 फोर टाइम्स रिपीट किया है। इट वुड बी बेटर इफ हैड अ वे ऑफ टेलिंग द टर्टल दैट इज नीड टू एग्जीक्यूट दिस कमांड 4 टाइम्स, मीन्स जो भी आपका लोगो है उसका टर्टल 4 टाइम्स क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। इन लोगो रिपीट कमांड इज यूज टू डू दैट, द कमांड that tells the turtle to execute the same set of commands and fix a number of times is called looping and is done by repeat command. इसलिए क्या है, रेपिटेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, बार बार कमांड रिपीट हो रही है, इसलिए क्या होगा, जब रेपिटेशन हो जाएंगे तो रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, वो लूप वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमांड में क्या है, सिंटेक्स उसका देख लीजिए। रिपीट में एन कमांड मीन्स नंबर ऑफ कमांड्स आप दे सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। द कमांड विद इन द स्क्वायर ब्रेसेस इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स। लेट अस ट्राई टू ड्रा स्क्वायर यूजिंग रिपीट कमांड दिस टाइप ऑफ कमांड। बेसिकली बार बार आपको 4 टाइम्स यूज करना है, इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ रेगुलर क्लोज शेप यूजिंग द रिपीट कमांड। शेप हैव इक्वल साइड्स, सभी की इक्वल साइड्स होगी अगर हम रेगुलर शेप का यूज़ करेंगे। ओके, सो ड्राइंग सर्कल विद रिपीट कमांड, फर्स्ट क्या है, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग रिपीट कमांड, रिपीट कमांड का यूज़ करते हैं। देन क्या है, ये आपका रिपीट कमांड 360 अगर यूज़ करेंगे तो आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का एंगल कितना होता है, 180 एंड देन 180, तो क्या 180 180 कितना जाएगा, सर्कल 360 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। नाउ फिलिंग कलर इन शेप, किस तरीके से कलर फिल करते हैं शेप्स में। आफ्टर ड्राइंग अ शेप यू कैन आल्सो फिल कलर इन द शेप। टू फिल शेप विद डिफरेंट कलर यू नीड टू लर्न कलर कमांड। कलर कमांड को बेसिकली यूज़ करना है, देन आप क्या करेंगे, उसको फिल कर पाएंगे। सेट FC कमांड मीन सेट फील्ड कलर, और सेट FC भी बोल सकते हैं, सेट फील्ड कमांड को यूज़ करेंगे। जैसे आपको कलर चूज़ करना है ब्लैक, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू n मीन्स 8 देंगे ब्राउन कलर, या फिर जो भी आप जीरो के लिए, अगर आप जीरो चूज़ करें तो ब्लैक मिलेगा, 8 चूज़ करें तो ब्राउन मिलेगा। जो भी कलर आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, आपको नंबर चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, कलर फिल हो जाएगा। सो फिल कमांड का यूज़ करेंगे तो फिल कमांड के लिए हम क्या करते हैं, जो कलर हमने जो भी हमने सर्कल ड्रॉ किया या फिर जो भी हमने शेप ड्रॉ किया उसके अंदर अगर हमें कलर फिल करना है तो हम उसको कमांड को चूज़ करेंगे। सिंपल क्या करना है, फिल कमांड फिल द शेप फेयर द टर्टल विद द फिल कलर। रिमेंबर यू हैव सेट द फिल कलर यूजिंग द सेट FC कमांड। टर्टल फिल्स द शेप अराउंड इट। सो
The turtle must be inside the shape and not on its corner before filling color. Means color किस तरीके से फिल करना है वो देखिए आप रिपीट कमांड को यूज़ कर दिया 360 है तो 360 एंगल हमारा कंप्लीट होता है. पैन अप का यूज़ किया है और सेट एफ सी यूज़ किया 6 तो बेसिकली येलो कलर के लिए यूज़ किया है. अभी आपको दिखा देता हूँ मैं 6 आपका येलो कलर है ये देखिए. तो आपका जो कलर फिल है उसके अकॉर्डिंग क्या है आप वहाँ से कलर को भी चूज़ कर सकते हैं नंबरिंग के थ्रू. नाउ चैप्टर रिव्यू. फर्स्ट क्या है द कमांड दैट टेल्स द टर्टल टू एग्जीक्यूट द सेम सेट ऑफ द कमांड्स एंड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड रिपीट कमांड. मीन्स बार बार रेपिटेशन होगा तो उसको रिपीट कमांड बोलते हैं बेसिकली. एंड प्रोसीजर आर सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी सेव्ड विद अ नेम एंड देन रिकॉल यूजिंग द नेम अगेन एंड अगेन विदाउट हैविंग टू रिपीट द इंस्ट्रक्शन. बार बार रिपीट करेगा रिकॉल करेगा तो उसको क्या कहेंगे प्रोसीजर सेट बोलेंगे. शेप दैट हैव इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स हैं तो उसको रेगुलर शेप बोलेंगे. और फिगर हुज स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट कोइंसिडेंट कॉल्ड क्लोज फिगर बोलेंगे. इफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ फिगर डू नॉट कोइंसाइड दैट आर कॉल्ड ओपन फिगर. एंड सेट फील्ड कलर सेट एफ सी कमांड बेसिकली कलर को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं. होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी. आपका इस चैप्टर में हम लोगों का डिस्कशन इतना ही था. स्टूडेंट एक्सरसाइज आपको खुद फिल करनी है. फिल करने के बाद आपको मुझे सेंड करना है. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.